ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਗੁੜੰਬਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੜੰਬਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲਏ ਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ। 8 ਅੰਬ ने, 4-4 अंब जिहड़े आपां इस्तेमाल करने आ। इन्हां नूं असीं अंबां नूं छिल लैणा आ, छिल के आपां कट लैणा आ। ते जिहड़े 4 अंब आ इन्हां नूं असीं चुल्हे दे विच भुन लैणा आ। भुन भी सकदे हो तुसीं, जे पाणी दे विच उबालना चाहो तां पाणी दे विच भी उबाल सकदे हो। अग जिहड़ी आ मैं बाल के लकड़ां पाईआं सी, लकड़ां दे विच दा सेक जिहड़ा आ विच रहिंदा आ, फिर अंब छेती भुन हो जूगे। उपरला हिस्सा जिहड़ा है आपां काट देना है, पतली पतली छिलक जिहड़ी है इहदी उतारनी है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਠਲੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਬ ਚੀਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਰੱਖੇ ਸੀ ਭੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਅੰਬ ਵੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆ। इन्हों आप साइड पर रख देंगे ठंडे होने वास्ते, उदों तक आप गुड़ंबा बना के तैयार कर लेंगे। इहदे विच पावांगे 1 चमचा सरों दे तेल का। तेल नूं थोड़ा जिहा गर्म कर लेना है। तेल हो गया गर्म, इहदे विच पा दांगे अद्धा चमचा सौंफ, चमचे का चौथा हिस्सा मेथी दाना ते अद्धा चमचा ही कलौंजी। भुन लांगे इन्हों थोड़ा जा। भुनन तो बाद अंब पा देने विच। तीन तो 4 मिनट तक अंबा नूं पका लिया। हुण इहदे विच पा दांगे 1 कौली गुड़। गुड़ जिहड़ा आ मैं इहदा कट के लिया आ। गुड़ की जगह ते तुसी खंड पानी चाहो तो खंड भी पा सकते हो, मिश्री पानी चाहो तो मिश्री भी पा सकते हो। मिलाण तो बाद हुण असीं इहदे विच मसाले पावांगे। मसाले जिहड़े आ इहदे विच बहुत ज़्यादा नहीं पाने, क्योंकि ਇਹਦਾ खट्टा मीठा ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। आधा चमचा लूण ਪਾ ਦਾਂਗੇ। लूण ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। आधा चमचा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चौथा हिस्सा चमचे ਦਾ हल्दी पाउडर, चौथा हिस्सा चमचे ਦਾ लाल मिर्च, चौथा हिस्सा चमचे ਦਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। 2 ਚਮਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। चंगी तरह मिलान तो बाद 1.5 गिलास इहदे विच असीं पानी दा पा देना है। पानी जिहड़ा है तुसीं अपने हिसाब नाल पा सकदे हो, जिन्ना क पाना चाहो। एक बारी मिला के इनू असी उपरों की ढक देना है। ढक के 15 तो 20 मिनट तक पक्कन देवांगे। अंब हो गए ठंडे। कौली दे विच असी पानी ले लेना है। पानी नूं हाथ ला के थोड़ा जिहा इहदे छिलके उतार लेने हैं। सारे अंब छेल ले ते जे लगे तुहानू कि थोड़े जे अंब साफ नहीं तो फिर तुसी पानी दे विच थोड़ा हाथ ला के उन्होंने चंगी तरह साफ कर लेना है। हुण ले लांगे आपां एक तीला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ। ਅੰਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਆ ਇਹ ਗੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਲਏ। मैं इन्ना पतला इनू रखिया आ, तुसी इस तो घट इनू पतला रखना चाहो तो उन्ना भी रख सकते हो। अद्धी कौली इहदे विच असीं पा देनी है खंड दी। खंड नूं असीं चंगे तरीके दे नाल मिला के बाकी दे जिहड़े मसाले आ वो भी पा देने। खंड घोल गई चंगे तरीके दे नाल। हुण इहदे विच पा दांगे अद्धा चमचा काली मिर्च दा पाउडर। थोड़े जे लए आ ताजे पुदीने के पत्ते, इन्हों असी बरीक बरीक कट के पा देना है। सिर्फ पत्ते पत्ते पाने आ, डंडियां नहीं पानिया। आधा चमचा पा देंगे लून का। 1/4 हिस्सा चमचे का लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 हिस्सा चमचे का भुनिया होया जीरा। जीरे नूं तवे के उत्ते भुन लिया सी, उस तो बाद इहनूं पाउडर बना लिया। इहदा शीशा तैयार है बन के। ना तो बहुत ज़्यादा पतला तो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तुसी इनू इस तरीके दे नाल ही गिलास दे विच पा के भी पी सकते हो। रोटी दे नाल सर्व करना चाहो तो रोटी दे नाल भी इनू सर्व कर सकते हो। हुण आपां गुड़ंबा चैक कर लैंदे हां। गुड़ंबा भी देखो बन के तैयार हो गया। इनू बनन वास्ते 15 मिनट तां लगे क्योंकि असीं अंबां नूं उबालिया नहीं सी। आपां कच्चे अंबां दा इस्तेमाल कीता। जे अंबां नूं उबाल के लईए फिर टाइम जिहड़ा आ घट लगदा आ, फिर 8-10 मिनट दे विच बन के तैयार हो जांदा। देखो ऐना कि सानूं इह पतला चाहीदा, ना इह पतला आ ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ। जदों इहने ठंडा होना आ फिर इहने होर गाढ़ा हो जाना आ। इनू हुण आपां थल्ले तार लैंदे आ। इनू आपां डोंगे च कट लेना। दोनों ही बहुत ज़्यादा वधिया बन के तैयार होए आ। तुसीं इन्हां नूं बना के जिहड़ा गुड़ंबा आ इनू 5 तो 7 दिन लई फ्रिज दे विच रख सकदे हो, खराब नहीं हुंदा है। ते शीशा जिहड़ा आ इनू भी तुसीं 3-4 दिन लई बना के फ्रिज च रख सकदे हो। तुसीं इन्हां नूं इसे तरीके दे नाल बना के खाओ। वीडियो नू प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। चैनल ते पहली बारी आके वीडियो देखते हुए हो तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।